Hello everyone, welcome again in economics class. In today's class we will learn about a very important topic, that is sustainable development. Okay, let's start our today's topic. Beta, sustainable development means kya hai? In last video we have learned about the environment ki aapke jo degradation, deforestation, causes, reason, steps which is taken by the government, we have already done. In today's video we will discuss about the sustainable development. Okay, sustainable development ka matlab development. Every economy wants development, but every economy wants economic development or strength. But don't give this development kisi bita on the cost of future generation. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होता है बेटा? व्हेन वी आर डेवलपिंग बट नॉट कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन लॉस. और इसलिए बेटा हर इकोनॉमी क्या चाहेगी कि हमें डेवलप करना है बट विथ से आर रिसोर्सेज फॉर आर फ्यूचर जनरेशन. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कौन सी प्रोसेस बेटा? दैट विच एम, जिसका मेन एम क्या है? रेजिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसकी? बोथ एज वेल एज प्रेजेंट और फ्यूचर. यानी हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन को लेकर डेवलपमेंट करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब मैंने जो आपको बोला प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन का, इसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं? यानी हम प्रेजेंट में जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं बेटा, उनको क्या कर रहे हैं? एक्सेसिव यूज़ और एक्सप्लोइट कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लाइक ऑयल, आपका क्या बेटा क्रूड ऑयल है बेटा, आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, तो इनको क्या कर सकते? अगर हम प्रेजेंट में उनको इतना यूज़ कर लेंगे कि फ्यूचर में उनकी जो डिमांड है बेटा वो फुलफ़िल ही नहीं हो सकती हैं, इसका मतलब है हमने जो डेवलप किया, हमने जो रिसोर्स को यूज़ किया है वो फ्यूचर कॉस्ट पे किया है. नहीं, फ्यूचर जनरेशन आर क्या बेटा? रेडी टू फेस चैलेंजेस. तो इन जब हम डेवलपमेंट को दोनों जनरेशन को साथ लेके चलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके प्रेजेंट में हमें रिसोर्स यूज़ नहीं करने. वी शुड यूज़ रिसोर्स, वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट बेटा इट यानी इट शुड बी इन ए लिमिट. उसका एक्सेसिव और एक्सप्लोटेशन नहीं हो. हम कॉम्पिटिशन को देखते हुए, हम डेवलपमेंट की कोई स्टेज ही हमने फिक्स नहीं की हुई उसको देखते हुए क्या हो रहा है बेटा? हम आज प्रेजेंट को तो डेवलप कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को हम किस में डार्कनेस में घुसा रहे हैं. तो ये क्या है बेटा? आपका डेवलपमेंट तो है बट विदाउट सोशल वेलफेयर. तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों की देखनी है, आर प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन. फॉर दिस डेफिनेशन वी कैन टेक सम फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट? फर्स्ट बेटा, सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटल इनकम. यानी रियल पर कैपिटल इनकम कौन सी होती है बेटा आपकी? कि हमें जो हमारी सोसाइटी की कॉस्ट पे ना हो, हम सोसाइटी को पोल्यूट करके, सोसाइटी को बैडली अफेक्ट करके जब इनकम राइज करते बेटा, दैट इज़ नॉट योर रियल इनकम, दैट इज़ ओनली फाइनेंशियल टर्म. रियल इनकम कब होगी बेटा? व्हेन यू आर क्या करो बेटा? यू आर अर्निंग विद नॉट सोशल कॉस्ट, दैट इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉस्ट. हम उससे सोसाइटी को बैडली अफेक्ट ना करें. देन बेटा रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स. रैशनल का मतलब क्या है बेटा आपका? हमें जब नेचुरल रिसोर्स हैं नॉन रिन्यूएबल और जो हमारे आज के प्रेजेंट में जो रिसोर्स यूज़ करें बेटा, उनको एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ना करके उनको, अगर मान लो क्रूड इरेशनली कॉम्पिटिशन को देखते हुए भाग दौड़ में लगे हुए हैं, इसमें भी यूज़ करना है, ये भी करना है, हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, तो ये हमारी जो बेटा भाग दौड़ है, जो कॉम्पिटिशन है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रही है, जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन उनके लिए हम सेव नहीं कर रहे हैं. यानी हमारी जो सोसाइटी है बेटा, उसको हम लोग किस में डेंजर में, यानी हम उनके लिए एक अलार्मिंग पीरियड हमने दिखा दिया. अभी आज जो हम इसका जिस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं बेटा, फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्स हमारे पास बचेंगे ही नहीं. दैन एबिलिटी टू ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ फुलफिल दे नीड नॉट टू बी इम्पेयर. हम क्या कर रहे हैं आज जो प्रेजेंट टाइम है बेटा, जो हम अपने जिसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को की जो नीड है उसको इग्नोर कर रहे हैं. वी आर नॉट पेयरिंग विद आर प्रेजेंट नीड विद आर फ्यूचर नीड. तो उन दोनों को इम्पेयर, यानी इन दोनों को हम क्या नहीं कर रहे बेटा? मैच नहीं कर रहे कि आज प्रेजेंट की तो नीड देख रहे हैं लेकिन फ्यूचर की नीड को इग्नोर कर रहे हैं. तो वी शुड कैप्ट इन माइंड द फ्यूचर नीड ऑल्सो बेटा.
Then last one, check on pollution. How you can protect the environment. अगर आप प्रोटेक्ट करोगे इन्वायरमेंट को, आप एक्सप्लोइट नहीं करोगे बेटा, तो आप क्या करोगे बेटा, ऑटोमेटिकली यू टच विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और फॉर दिस वन हमें क्या करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, चाहे वो आपका क्या है, एयर पोल्यूशन है, चाहे सॉइल पोल्यूशन है बेटा, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे आपका नॉइज़ पोल्यूशन है, इन सभी पोल्यूशन को क्या करना है बेटा, आपको कंट्रोल करना है. तो इन फीचर्स को देखते हुए ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो अगर हम सिंपल डेवलपमेंट की चलें, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये हमारे क्या बेटा प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे आने वाले टाइम के लिए अलार्म है, यानी हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स हैं. तो इसको देखते हुए व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजी विच कैन टेकन द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट ले सकती है स्ट्रेटजी किस चीज़ के लिए बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. नाउ लेट डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फॉर दिस वन देखिए, ओके बेटा, लेट डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट मीन्स कौन से स्टेप हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेवलपमेंट को, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वी कैन कन्वर्ट इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दीज आर स्ट्रेटजी. इफ़ यू विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी बेटा, दैट इट इज़ पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इकोनॉमी. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इनपुट एफिशेंसी टेक्नोलॉजीज, यानी हमें जो कौन सी आपको एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो हमारे इन्वायरमेंट को, जो हमारे डेवलपमेंट को पॉजिटिवली ले, जो हमारे इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट ना करें. अगर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी से, मान लो आप ये हमारे इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए बेटा, जो रेज निकलती हैं आपकी, हम जो 5G 3G नेटवर्क के लिए, तो ओवरऑल हमारा जो इन्वायरमेंट है बेटा, ये बैडली इफेक्ट, जितना हम कंपटीशन को देख, इन टेक्नोलॉजी को जितना हाई टू हाई हम क्या करें, जनरेट करें बेटा, ये इफेक्ट बैडली टू इन्वायरमेंट. सेम इट्स माई, इट मीन्स क्या है कि हमें क्या करना है बेटा, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो एफिशिएंट हो, जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना करे. दैन यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स. इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स का मतलब यहाँ पर क्या बेटा, यानी दैट रिसोर्स लाइक एनर्जी रिसोर्स बेटा, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है, हमें एनर्जी के उन रिसोर्स को, या फिर वैसे भी जो जितने भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते बेटा, उनको कौन से रिसोर्स यूज़ करने हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म करें बेटा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमें जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, बट वी शुड एम्फसाइज ऑन दोज रिसोर्सेज विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बेटा, वो हम अलग अलग रिसोर्स से जनरेट करते हैं, तो हमें उस रिसोर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो. देन बेटा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. अगर हम ज़्यादा अर्बन सेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं बेटा, तो हम इन्वायरमेंट को बैडली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. तो जितना हमें अर्बन सेक्टर ज़रूरी है बेटा, उतना ही हमें रूरल सेक्टर को भी डेवलप करना है. इन दोनों का जो बैलेंस है ना, वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करके चलता है. यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के लिए अगर हम ट्रीज कट करें बेटा, तो रूरल डेवलपमेंट के साथ में हमारी जो ग्रीनरी है वो इंक्रीज होती है. तो वी शुड फोकस बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो. कन्वर्ट सस्टेन सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी. मैंने अभी आपको बताया बेटा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है एनर्जी का, तो हमें क्या करना है, सनलाइट को सोलर एनर्जी में जो कन्वर्ट के जो रिसोर्स हैं, जो हमारे टेक्निक्स हैं, उसको ज़्यादा स्प्रेड करना है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है बेटा, ये जो हमारे रिसोर्स है, दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. तो हमें जो हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, उस सोर्स को ना लेकर इसको ज़्यादा फोकस करना है. देन शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. जो आज मॉडर्न फार्मिंग है ना, मशीन्स, केमिकल, पेस्टिसाइड, इन सब को थोड़ा इग्नोर करके हमें कौन सी फार्मिंग को एक्सेप्ट करना है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी होती है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट मीन्स व्हेन यू यूज़ नेचुरल
जो आपके वेस्टेज हैं इन द फॉर्म, कैसे आप जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं वो नेचुरल यूज़ करते हो ना कि केमिकल्स यूज़ करते हो. लाइक आप जो आप क्या करते हो बेटा, जिस फर्टिलाइज़र हम उसमें केमिकल, आज की जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा आपकी, हम केमिकल्स पेस्टिसाइड. उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते थे, जैसे गोबर खाद है उसको यूज़ करते हैं, नेचुरल जो बेटा आपकी फर्टिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और उससे सोयल फर्टिलिटी भी हमारी सेव रहती है. देन और मैनेज वेस्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हम फेस कर रहे हैं बेटा, जो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जो इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट कर रहा है बेटा, उसको हमें एक ऐसे जो मेथड्स अपनाने हैं जो हमारे क्या बायोडाइवर्सिटी को, यानी जो वेस्टेज को मैनेज कर सके हमें, क्योंकि इन वेस्टेज की वजह से हमारा डिग्रेडेशन रहा, सोयल फर्टिलिटी कम हो रही है बेटा, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बैडली अफेक्ट होता है. तो हमें इन वेस्टेज को मैनेज करने के लिए, इन वेस्टेज को री जो हमें कहते हैं हमारे क्या होता है बेटा, रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उसको अडोप्ट करना है टू वे मैनेज द वेस्ट. देन स्ट्रेंथ किसको देन, लो ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंट, यानी जो केमिकल जो बेटा फ्लूड्स होते हैं, केमिकल जो आपके सोल्यूबल्स होते हैं उनको, वेस्ट को हाउ टू मैनेज, हाउ टू आपको कहता है सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम दीज केमिकल्स, वी शुड फोकस ऑन दैट स्ट्रेटेजी. जो भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम क्या बेटा स्कॉलर्स हैं, उनकी हेल्प से हमें इन केमिकल्स इन्फ्लुएंस को क्या मैनेज करना है, हाउ कि उसे हम अपने किसी फर्टिलिटी बचा सकें, इन्वायरमेंट को बचा सकें. लास्ट वन अवेयरनेस प्रोग्राम्स कि हाउ टू से द नेचुरल एसिड्स, माइनिंग्स ठीक है, क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम्स, आपके कोल, ये जो आपके नेचुरल एसेट्स है बेटा जो दोबारा हमारे नहीं मिलेंगी, इनको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, उस वो हमें क्या करनी बेटा अपनी पॉपुलेशन के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के थ्रू स्प्रेड करनी है, जिससे लोग इस बात के लिए अवेयर हों कि हम अपने सोशल सोसाइटी को इन सब से कैसे बचा सकते हैं. ओके नाउ ओवरऑल ये जो टॉपिक है बेटा आपका कवर हो चुका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर सोशल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके बेटा.